दोस्तों, आज मैं शशिकांत उपाध्याय आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर। एक शिक्षक का कार्य होता है बच्चों को मार्गदर्शन करना, शिक्षा देना, सही रास्ते पर लाना और उनके भविष्य को संवारना। आइए इस शिक्षक दिवस पर आप सभी के लिए एक शिक्षा पर कहानी लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को इससे बहुत प्यारी शिक्षा जरूर मिलेगी और इस कहानी को ध्यान पूर्वक देखेंगे। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे और कमेंट इस वीडियो पर जरूर करें। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है सबसे ताकतवर कौन। एक बार की बात है, एक गुरुकुल में गुरुजी महोदय और कुछ शिक्षक बैठे हुए थे। शिक्षक आपस में कुछ विचार विमर्श कर रहे थे और विचार विमर्श के बाद उन्होंने उसका जवाब जानना चाहा, तो उन्होंने सवाल किया अपने गुरुजी से कि गुरुजी, हम लोग बहुत उधड़ भूम में लगे हुए हैं, हम सभी की समझ में नहीं आ रहा है दुनिया में आखिर सबसे ताकतवर चीज क्या है। ऐसे में गुरुजी तपाक से उठे और उठकर उन्होंने बहुत जोर की डांट लगाई अपने शिष्यों को, तुम सभी के जिम्मे कोई सवाल इस तरीके का जो कुछ भी आता है वो पूछ बैठते हो मुझसे और तुम्हारे जिम्मे कोई काम नहीं है, इसलिए तुम फालतू के सवाल अपने दिमाग में लाते हो और मुझसे प्रश्न करते हो और इन फालतू सवालों के जवाब से मैं भी परेशान होता हूं और तुम भी परेशान होते हो। इस तरह डांटने के बाद अपने शिष्यों से गुरुजी बहुत ही रुष्ट होकर के चले गए। ऐसे में उनके जाने के बाद शिष्यों आपस में विचार विमर्श करने लगे और उनके चेहरे कि रंगत उड़ी हुई थी और बहुत ही गुस्से में थे शिष्य भी कि आज गुरुजी का ये रूप और गुरुजी जो कि हमारे बहुत शालीन रहते थे, बहुत ही शांत स्वभाव के, बहुत ही प्यार से बोलने वाले, मीठी बोली होती थी उनकी, आज ये क्या हुआ, आज गुरुजी ने इस तरीके का व्यवहार हम सभी के साथ किया, इस तरीके की बोली मुझे बहुत बुरी लगी, हम लोगों को पसंद नहीं आई। ऐसे में अभी ये शिष्यों द्वारा विचार विमर्श हो ही रहा था कि अचानक गुरुजी फिर वापस लौट कर आते हैं। आने के बाद गुरुजी ने शिष्यों से कहा कि तुम सभी बहुत अच्छे हो, तुम्हारे विचार बहुत प्यारे हैं, तुम सभी के मन में जो ये सवाल आता है बहुत प्यारा सवाल है और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम सभी खाली वक्त में इस तरीके से बैठ के विचार विमर्श करते हो, अपने ज्ञान को बढ़ाते हो। ऐसे में वो सब दुखी थे, बहुत ही कष्ट में थे अपने गुरुजी के उस व्यवहार से, वो अब उनकी इस बोली को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, बड़े प्रसन्न हो गए। और ऐसे में गुरुजी ने जब देखा अपने शिष्यों का मुंह तो कहा कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे शिष्यों, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज का तुम्हें पता लगा। तो उनका जवाब था नहीं। तो गुरुजी ने बताया कि बेटा, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज इंसान की बोली है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले जब तुमने प्रश्न किया था तो मेरी बोली ने तुम सभी को दुखित कर दिया, तुम सभी को परेशान कर दिया और ऐसे में तुम सभी ने मेरे प्रति मन में विचार बुरे ला दिए और आकस्मिक तुम सभी के विचार बदल गए, तुम सभी का सोचना विचारना जो कि मान सम्मान मेरे प्रति तुम सभी के दिल में था वो सब बदल गया। अचानक इस तरीके का बदलाव सिर्फ और सिर्फ मेरी बोली से हुआ और अभी
आकर के मैंने तुम्हारी तारीफ की, मैंने तुम्हें मीठा बोला, मैंने अपनी बोली ही बदल दी, तो देखो तुम्हारा बदलाव ऑटोमेटिक यानी आकस्मिक मेरे प्रति कैसा हो गया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज इंसान की बोली। इंसान जिस तरीके से बोलता है उस तरीके का विचार सामने वाले के मन और मस्तिष्क में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखना जरूर आप न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना।